नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Xiaomi Mi Note 3 के बारे में, जो दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। और इसकी मैं पूरी प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो इसके लिए बने रहिए। प्लीज़ इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और भी मज़ेदार और टेक्नोलॉजी से भरे वीडियोज़ के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ Xiaomi Mi Note 3 के बारे में। तो इसके जो लुक्स है वो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इस बार Xiaomi ने इसकी जो प्राइसिंग रखी है वो है 28,500 रुपीज़ की, जो कि आपको काफ़ी हाई प्राइसिंग लग सकता है। लेकिन याद रखिए, ये जो Note 3 है, Xiaomi Mi Note 3, ये जो Xiaomi Mi Max 6 है उसका एक बड़ा वर्सन है, ऊपर का वर्सन है। तो इसमें काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर और हाई एंड सब चीज़ें लगे हैं। तो इसमें और बाकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी ज़रा देख लेते हैं और पता करते हैं इसकी जो प्राइसिंग है ये इसके मुताबिक ठीक है भी कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात करूँ, तो आपको इसमें 5.5 इंचेस का फुल HD 401 PPI का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो OS है, वो आपको एंड्रॉयड 7.1 न्यूगार्ड मिलता है। और साथ ही साथ इसके प्रोसेसर की मैं बात करूँ, तो आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर 2200 मेगाहर्ट्ज का कुछ 64 बिट ऐसा कुछ मिलता है। और आपको इसमें एक 6 GB का रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, इसीलिए इसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा है। और साथ ही साथ आपको इसमें और भी बहुत कुछ मिलता है इसके। और अगर आप मैं इसके कैमरे की बात करूँ, तो आपको जो इसमें रियर कैमरा मिलता है वो आपको 13 MP का डुअल LED रियर कैमरा मिलता है। और साथ ही साथ आपको इसमें एक 16 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है, जो अभी रियर कैमरा से भी ज़्यादा है। ये फ़ोन बेसिकली काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। और इसमें आपको एक 3500 mAh की नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी, जो कि सही टर्म है, वो बैटरी आपको मिल रही है। काफ़ी हाई पावर बैटरी है, लगभग आपको 1.5 दिन का बैकअप आराम से दे देगा इस फ़ोन के साथ। और साथ ही साथ अगर मैं इसके सेंसर की बात करूँ, तो आपको इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कॉम्पास, हेल्थ सेंसर और ऐसा बैरोमीटर, ये सब आपको मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें। और इसमें आपको 5.0 का ब्लूटूथ सपोर्ट मिलता है। और साथ ही साथ आपको इसमें USB-C टाइप रिवर्सेबल चार्जिंग पोर्ट मिलता है, मतलब आप उल्टा सीधा कुछ नहीं, इसमें आप जिस तरीके से भी चाहे उस तरीके से लगा सकते हैं। NFC है, OTC कैपेबिलिटी, ये सब कुछ आपको मिल जाता है इसमें। तो इसकी जो प्राइसिंग है, इसके हिसाब से इस फ़ोन में स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा कुछ कम ऐसा नहीं है। लेकिन प्राइसिंग थोड़ी और कम हो सकती थी, लेकिन फिर भी Xiaomi का हमें पता है Xiaomi के फ़ोन बेस्ट ही होते हैं। तो इस फ़ोन को अगर आप परचेस करना चाहें, तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। इसका मार्केट अभी भी मार्केट में नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं अपडेट कर दूंगा। अभी इसके लुक्स आप फिर से एक बार स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इसकी प्राइसिंग मैं फिर से बता देता हूँ, 28,500 रुपीज़ की है। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो काम का लगा हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इस नीचे वाले बड़े से बटन को दबा के। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। गुड बाय।